हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज हम बनाएंगे खीर। खीर बनाने के लिए हम लेंगे आधा किलो दूध या मिल्क। दूध को एक उबाल आने तक अच्छे से गर्म कर लेंगे। खीर बनाने के लिए हम लेंगे एक कप खीर बनाने का चावल। दूध में एक उबाल आ गया है, हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। और इस टाइम पे हम इसमें खीर बनाने का चावल ऐड करेंगे। चावल को अच्छे से पानी से 2 से 3 बार धो लेंगे। चावल ऐड करने के बाद दूध को चावल में अच्छे से मिला लेंगे, ताकि चावल नीचे तले में चिपके ना। गैस के फ्लेम को मीडियम करके खीर को धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। खीर को बीच बीच में मिलाते हुए इस तरह हम चेक करते रहेंगे, ताकि खीर का चावल नीचे तले में चिपके ना। खीर को मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए 10 से 12 मिनट हो चुका है। अब हम इस टाइम पे खीर को चेक कर लेंगे कि खीर हमारा पका है कि नहीं। खीर हमारा पक गया है। इस टाइम पे हम इसमें इलायची ऐड करेंगे। यहाँ मैंने इलायची के दाने को दरदरा कूट लिया है। हम इसे खीर में अच्छे से मिला देंगे, जिससे खीर में इलायची का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए। और यहाँ मैंने कटे हुए किशमिश, काजू और आलमंड के टुकड़े लिए हैं। इसे खीर में डालकर अच्छे से मिला लेंगे। खीर हमारा पूरी तरह से पक गया है। इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और इस टाइम पे खीर में चीनी ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 4 चम्मच चीनी ऐड किया है। आप अपने पसंद से कम या ज़्यादा मीठा कर सकते हैं। चीनी डालकर गरम खीर में चीनी को अच्छे से मिला लेंगे, जिससे कि चीनी खीर में अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखिए, खीर हमारा बनके तैयार है। अब आप इसे ठंडा गरम, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे आप सर्व करें। ये देखिए, खीर हमारा परफेक्ट बनके तैयार है। हम इसे सर्व करेंगे।